बार की तरह जो पदक की उम्मीद है। पहले नियम रखने चाहिए फिर मकान बनता है, खाने को रोटी है कि नहीं, खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था। खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते और हमने ये महसूस किया है, खगासा कमजोर महसूस कर। नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर और आज हम हैं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर। ओलंपिक को बस कुछ ही दिन बचे हैं, भारतीयों की आस है पदकों पर। पदकों की संख्या कितनी पहुंचेगी ये हमारी उम्मीद हर बार परवान चढ़ाती है, लेकिन लगता है कि हर बार की तरह जो पदक की उम्मीद है हर बार एक निराशा सी हमारे हाथ लगती है। लेकिन पिछले साल जो पदक आए कुछ हमको राहत उन पदकों से मिली, लेकिन फिर इस बार ओलंपिक है। आखिर क्यों इन पदक की दौड़ में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं? कितना तैयार इस बार हम हैं ओलंपिक के लिए और क्या कारण है कि खेलों में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सोचने की बनी हुई है? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हैं रणवीर पहलवान जी, विधायक हैं, और साथ में राजस्थान का जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष हैं पवन दुग्गल जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं और खेलों को लेकर काफी सारे सवाल इन्होंने विधानसभा में उठाए हैं। हमारे साथ रामोतार जाखड़ जी हैं, उपाध्यक्ष हैं राजस्थान जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके, देवेंद्र झांझड़िया जी हैं, पद्मश्री हैं और साथ में अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड भी जीता है। दिनेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार है और साथ में अभी हमारे कुछ देर बाद यहाँ पर खेल मंत्री भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले रणवीर जी आपके पास आता हूँ। जब जब ओलंपिक होते हैं, जब जब एशियाड होते हैं, पदक की एक आस सी हमारे अंदर जगती है कि हम जीतेंगे जीतेंगे। अपन क्या करते हैं जी, केवल छत डालते हैं। पहले नियम रखने चाहिए फिर मकान बनता है। हम जिस दिन गेम होता है उन खिलाड़ियों के ऊपर उम्मीद लगाते हैं गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन वो इस ओलंपिक से अगले ओलंपिक तक कोई सरकार या उसका नुमाइंदा संभालता है क्या? वो कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, किन परिस्थितियों में जी रहा है, खाने को रोटी है कि नहीं? आज जितने भी गोल्ड मेडल लाए हैं, चाहे विजेंद्र का बाप रोडवेज में हो, चाहे सुनील पहलवान का हो, ये दो तीन गेम ही फायर शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग, कुश्ती, यही मेडल ला सकते हैं। खेल मंत्री, स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष खो खो के प्लेयर नहीं, वो बना दिए जाते हैं, उनको खेल का कोई अनुभव है नहीं। बढ़िया पहलवान मैं मानता हूं कि एमएलए तो नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, लेकिन बढ़िया गेम वाला काउंसिल का, स्पोर्ट्स काउंसिल का अध्यक्ष तो लगाया जा सकता है। मैं नहीं मानता इस ओलंपिक में हमारा इन दो गेमों को छोड़ के कोई गोल्ड मेडल आएगा तो एक ही आएगा, सुरेश कलमाड़ी भ्रष्टाचार में ला सकता है, पूरे विश्व में प्रथम आएगा मेरी गारंटी है। कलमाड़ी जी ने पूरे आयाम तोड़े हैं, आज पूरा विश्व देख भी लेगा जाएगा तो वहाँ इसमें तो ला सकता है। बाकी मेरे को तो नल बटा नल लग रहा है मामला, थोड़े दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रणवीर जी आपका जो कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था वो तैयार। देवेंद्र के पास एक बार हम चलते हैं, आपको आपके पास मैं लुटूंगा। देवेंद्र, क्या लगता है स्पोर्ट्स का जो एक माहौल तैयार होना चाहिए था पूरे देश में, हम राजस्थान की बात नहीं करें पूरे देश की बात करें, क्या हम वो माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी लग रही है आपको? मैं मानता हूँ कि जो प्रथम स्टेज होती है स्पोर्ट्स की, जैसे 12 साल के बच्चे का, 14 साल के, 16 साल, 18 साल, उस पर न तो भारत सरकार ध्यान दे रही है और न गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं 20 साल का कोई लड़का खेलता है, कोई नेशनल मेडल लेता है, चर्चा होती है कि खिलाड़ी बन गया। वो खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते। जो भी मेडल लेके आता है ओलंपिक या एशियन पे, वो बहुत मेहनत करता है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और जो बड़े बड़े जैसे इंडिया टीम के साथ कोच भी लगे हुए, कई जगह देखा है मैंने कई फेडरेशनों में, तो वहाँ पे उन कोचों की जो क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप एक NIS करने से कोच नहीं बन सकते। इंडिया टीम के साथ हमें कोच जोड़ना है तो ऐसे जोड़िए जो ओलंपिक का मेडलिस्ट हो या एशियन का मेडलिस्ट हो या कोई रिकॉर्ड होल्डर हो। तो ऐसी जब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं बेसिक की बात यहाँ पर पवन जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप उस परिवेश से भी आते हैं जहाँ स्पोर्ट्स का एक माहौल है उस क्षेत्र में। पवन जी, क्या बेसिक्स जो है स्पोर्ट्स के, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमजोर हैं? वो बात रणवीर जी ने भी उठाई, क्या बेसिक्स में अभी हम उन जगहों पर खेल मैदान दे पाए हैं खिलाड़ियों को, खेलने की सुविधा मात्र इतनी सी कि वो अपने खेलने मैदान में जाकर, क्या वो भी उपलब्ध हो पाई है? देखिए, पूरा का पूरा अगर हम अपने ऑल इंडिया लेवल पे ही बात करें तो एक ग्रामीण परिवेश में हम लोग आते हैं और हमने ये महसूस किया है कि आज गांव तो बहुत दूर की बात है, शहर और उससे बड़े जो नगर और महानगर है वहां भी सरकार इतने खेल के स्ट्रक्चर खड़े नहीं कर पाई है, जिस वजह से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कुछ अपनी प्रतिभा दिखा सके।
जहां तक हमारे खिलाड़ियों का ओलंपिक में जीतने का सवाल रहा है, ओलंपिक में जाने का सवाल है, हमारा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि वो खिलाड़ी सिर्फ अपनी प्रतिभाओं के बल पे, अपनी परिवार के बल पे वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकारें जो है वो सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। इसी वजह से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन दुनिया में चाइना के बाद इतनी बड़ी होने के बावजूद खेल में हमारी जो दुर्दशा होती है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। रामोतर जी, पदक की उम्मीद तो हम सबसे करते हैं कि पदक जीत कर लाएगा, लेकिन पदक जीतने के लिए, ओलंपिक पदक जीतने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए जो तैयारी उसको देनी होती है, क्या वो तैयारी वो कर पाता है यहाँ? आशीष जी, मैं सबसे पहले तो आपको, चैनल को आपके धन्यवाद देना चाहूँगा कि खिलाड़ियों की समस्याएं, खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में आपने इन मुद्दों को उठाया, ओलंपिक की तैयारियों के बारे में आपने इन मुद्दों को उठाया। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि भारत में किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं है, उस नीति के तहत कोई प्रैक्टिस होती है, उस नीति के तहत खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाता है, उसी के तहत खिलाड़ियों को ग्रास रूट लेवल से लाके उनको राष्ट्रीय स्तर पर खिलाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पहली चीज। दूसरी बता दूं आपको कि भारत सरकार ने पायका नाम की एक खेल कार्यक्रम जो है वो पूरे भारत में लागू कर रखा है, लेकिन वो पायका है, वो कागजों में तक सीमित है, वो कागजों में होता है, उसका पैसा बढ़ जाता है, लोग खा जाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को आगे लाने का या उनको तराश कर उनकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम कोई भी खेल का विभाग, भारत सरकार का या पायका का या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई नहीं कर रहा है। तो मेरा आपको कहना है कि जहां तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने की है, उसमें मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि हमें हर एक चीज में, चूंकि हमारा जनप्रतिनिधि जब आगे आता है तो वो हमें मदद करता है, हमें उसको कोऑपरेट करता है। आज ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी गए तो निश्चित रूप से मैं एक ये आस करता हूँ कि जैसे रणवीर भाई साहब ने एक बात कही है कि हमें अगर थोड़ी बहुत अगर आस है पदक की तो निश्चित रूप से कलमाड़ी जी से है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं कि जब ओलंपिक में लंदन में 2012 में हमें अगर कोई पदक की आस है तो वो बॉक्सिंग में, और दूसरा हमारे निशानेबाज जो है, इन दोनों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ आने की आस है। बाकी कहीं कोई उम्मीद न जाने, दिनेश जी आपके पास आऊंगा, पदकों की उम्मीद की अलग बात है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो उन्होंने एक विषय उठाया कि सरकारों की प्रायोरिटी जो है, कभी भी सरकारों की प्रायोरिटी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, खेल उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहा। क्या ये तो सही है, सबकी खेल प्राथमिकताओं में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे जयपुर की मैं बात करता हूं तो इंडोर स्टेडियम बना है, क्रिकेट के सुविधाएं डेवलप हुई हैं, और भी बात करेंगे अगर आप तो साई के सेंटर्स हैं, बेंगलोर का सेंटर है, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलता है, निशानेबाजों के लिए कोई सुविधा की कमी नहीं छोड़ी गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो होता है ऊँट के मुँह में जीरा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरे ये कि स्टार्टिंग लाइन अपन बहुत पीछे हैं, और लोग अगर 100 से शुरू करते हैं तो हमको 1 से शुरू करना पड़ रहा है, तो स्थिति यहाँ है कि अपन दौड़ में शुरू से पीछे हैं, इसलिए उनके समकक्ष आने में अपने को समय लगेगा। और जैसा कि अभी ज्वाला गुट्टा ने खुद ने कहा था कि चीन के बराबर आने में हमें 100 वर्ष लगेंगे, तो आप इतना अगर हमें समय लगे और इतनी मेहनत हम कर सकें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा आशीष जी कि पदकों की बात बेमानी है, आप पदकों की नहीं प्रदर्शन की बात करिए, ग्राफ की बात करिए, क्योंकि पदक सिर्फ एक चीज़ नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, मुझे अब भी याद पड़ता है, एथेंस में जब लेकर के आए थे मेडल, हम लोग शाहपुरा उनको लेने के लिए गए थे, और तब उन्होंने ये कहा था कि जितना समर्थन मुझे आज पदक जीतने के बाद मिल रहा है, उतना समर्थन यदि पहले मिला होता और खिलाड़ियों को भी मिला होता तो आज कई पदक मिले होते। तो सवाल यह है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, एटमॉस्फेयर की कमी है, और इसकी कमी के पीछे बड़ा कारण क्या है, एटमॉस्फेयर क्रिएट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सामाजिक व्यवस्था कहीं जिम्मेदार है, राजनीतिक व्यवस्था जिम्मेदार है, पारिवारिक व्यवस्था जिम्मेदार है? हम क्यों नहीं आप नई पीढ़ी को खेल मैदान तक ले जा पा रहे? नहीं, खेल मैदान तक जा रही है, लेकिन आप सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात करें कि ये पूरा परिसर है और कई खेल खेलते हैं, लेकिन आप संडे को आके देखिए सभी लोग क्रिकेट खेलते मिलेंगे, हैंडबॉल के मैदान में क्रिकेट चलेगी, सड़क पर क्रिकेट चलेगी, फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट चलेगी, तो सब कुछ क्रिकेट की आंधी में एक तरह से छुप गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी पॉलिटिशियंस को लीड लेनी होगी। क्रिकेट को छोड़ करके कितने पॉलिटिशियंस हैं जो हाथ और खेलों की और हाथ बढ़ाते हैं मदद का, और क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें किसी भी तरह घुसना है। क्या मैं रणवीर जी आपके पास आ रहा हूं, क्या क्रिकेट ने सबको खा लिया? क्रिकेट के अंदर भारत में कुल 10 से 11-12 प्लेयर हैं, और भारत में कम से कम 20 करोड़ बच्चे बैट उठाए खड़े हैं,
सिर्फ उनका एक टारगेट है किसी तरह भारत की टीम में मेरा सिलेक्शन हो जाए, और वो हम भी जानते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर पूरी भारत सरकार फोर्सेज के अंदर ये कर दे के नेशनल खेल हुए को एएसआई या सब इंस्पेक्टर से लिया जाएगा, एशियाम गोल्ड मेडलिस्ट को सब इंस्पेक्टर से लिया जाएगा, फोर्सेज मैं कह रहा हूँ आर्मी है, सीआरपी है, बीएसएफ है, पुलिस है, जितनी भी फोर्सेज हैं, या फिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए को डायरेक्ट डीएसपी या आईपीएस से लिया जाएगा, सारे बच्चे क्रिकेट पर से धान हटा के और गेमों में आ जाएंगे, प्रत्येक गांव के अंदर अखाड़े, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती सब। रणवीर जी एक सवाल चालू हो जाएंगे, एक सवाल उन्होंने उठाया कि बच्चे का ध्यान तो फिर भी डाइवर्ट हो जाएगा, आजकल राजनेताओं का ध्यान बड़ा क्रिकेट की तरफ है। पहले दो चीज है, एक तो मेरे को पीट कूट के टैलेंट पैदा किया जाता है, एक नेचुरल टैलेंट होता है, एक मेरी इच्छा चाहता तो मैं दौड़ करना हूँ, मेरे को लगा दिया कुश्ती में जाता है, मेरी आंतरिक इच्छा क्या है। अपन क्रिकेट खेलने वालों को इसमें लगा देंगे तो वो नहीं खेल पाएंगे, उनकी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, इच्छा डेवलप होने के लिए उसके सामने कुछ न कुछ चीज रखी जाए। अगर तू नेशनल में गोल्ड मेडल ले आता है तो तुझे ये चीज मिल जाएगी, या तो वो हमारा कुश्ती का जो पहलवान था एक यादव महाराष्ट्र का, ओलंपिक में बहुत पहले तीसरा नंबर आया था, रेलवे में फोर्थ क्लास था वो, अब क्या कर लेगा आदमी गेम करके। क्रिकेट में वो सोचता है मेरा किसी न किसी तरह तुक्का लग गया तो मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा, लगना नहीं है। एक धोबी के घर में एक गधा था, वो रोज नदी पर बस्तर ले जाता था, जंगल के एक गधे ने कहा कि भाई क्या करता है कि मैं इसके बस्तर लाता हूँ और ये बदले में घास डाल देता है। जंगल के गधे ने कहा तू मेरे साथ जंगल चल, घास फ्री में खाता हूँ और बस्तर ढोने ही नहीं। तो उस गधे ने कहा मैं चलूंगा नहीं बिकॉज माई फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। उसने कहा कैसे कि धोबी के घर में एक लड़की है, ये धोबी रोज कहता है तू पढ़ ले नहीं तो किसी गधे से शादी कर दूंगा, तो इस चक्कर में मैं बैठा हूँ इनके घर। तो ये सिर्फ धोबी के गधे ही क्रिकेट जो खेल रहे हैं ना, ये इनका नंबर आना नहीं है, फ्यूचर ब्राइट माने बैठे हैं। आज नेशनल में गोल्ड मेडल लाते ही कितने गोल्ड मेडल लिया है, हर को स्टेट की टीम अगर लाती है तो आज ओलंपिक माफ करें कॉमनवेल्थ यहाँ होया उसमें 10 में से 9 मेडल अकेले हरियाणा के थे। मैं रणवीर जी अकेले हरियाणा के थे, वो सरकार जरूर उनके लिए कुछ कर रही होगी। हमारे यहाँ भी सरकार है, ये प्रत्येक गेम में क्राइटेरिया बना दे, ये तो उन प्लेयरों को प्लेयर सरकार उनको अडोप्ट पर रखेगी उसके लिए तो ये क्राइटेरिया, गांव गांव से टैलेंट रिसर्च करके और कम से कम एक गेम में 10 टीम सरकार अपने पास रखे, पहली दूसरी 0 से 10 तक की, उनसे फिर उम्मीद की जा सकती है कि वो वहां पर एक, 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 एक बड़ा सवाल है आपने जो उठाया, वो बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। हर बार की तरह जो पदक की उम्मीद है, पहले नियम रखने चाहिए फिर मकान बनता है, खाने को रोटी है कि नहीं, खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था, खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते। और हमने ये महसूस किया है खगासा कमजोर महसूस कर, बार की तरह जो पदक की उम्मीद है, पहले नियम रखने चाहिए फिर मकान बनता है, खाने को रोटी है कि नहीं, खेलों का जो माहौल बनना चाहिए था, खिलाड़ी ऐसे तैयार नहीं होते। और हमने ये महसूस किया है खगासा कमजोर महसूस कर के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के खेल मंत्री मांगीलाल जी गरासिया, हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी चर्चा में। हम चर्चा कर रहे थे पहले रणवीर जी के साथ, अब मैं पवन जी के पास आ रहा हूं। रणवीर जी आपको रोकता हुआ, पवन जी क्या लगता है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि स्पोर्ट्स के एक माहौल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और प्रोत्साहन की जरूरत है, कहीं ना कहीं क्या वो मिसिंग है प्रोत्साहन? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाकी जो उनको कहीं ना कहीं खेलने वाले खिलाड़ी को अपने भविष्य की आर्थिक चिंताएं भी सताती हैं, क्या लगता है कि खिलाड़ी के मन में एक वो भय होता है? देखिए निश्चित रूप से देश और प्रदेश का खिलाड़ी चिंतित है इस बात को लेके, वो अपने भविष्य उसको बिल्कुल अंधकार में लग रहे हैं। और ये एक नहीं, ये तो इंडिया में आप उदाहरण देख सकते हो। इसलिए ये जरूरी है कि जब तक उनके भविष्य को सेफ नहीं करोगे, जब तक उनके लिए पॉलिसी नहीं आप इख्तियार करोगे, जब तक उनकी पॉलिसी आप ग्रास रूट पे नहीं लेके जाओगे, तब तक वो बच्चा मेहनत जरूर करेगा, आगे भी बढ़ेगा, मगर वो एक अपने आप को ठगा सा कमजोर महसूस करता है। और इसीलिए यही कारण है प्रतिभाओं की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, कमी है तो नीतियों की कमी है तो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, और कमी है तो सरकार इनको लागू नीतियों को करने में कमी है। रामोतर जी जो वो कह रहे हैं, एक खिलाड़ी होने के नाते क्या लगता है जिस चर्चा को रणवीर जी ने आगे बढ़ाया था, क्या क्रिकेट ने सारे गेमों को एक तरह से खत्म कर दिया है? क्योंकि जो बात आती है कि पैसा वहां पर है, ग्लैमर वहां पर है और नेताओं का प्यार भी वहां पर है। मैं आपको इस बात के लिए बताना चाहूंगा, एक तो क्रिकेट को मैं खेल की श्रेणी में नहीं मानता हूं। वो इसलिए उसको खेल की श्रेणी में नहीं मानता कि उसमें लिमिटेड लोग खेलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें